वंदे भारत का ट्रायल रन और इसके पहले यहाँ पे विधिवत पूजा पाठ जो है वो की गई और रेलवे के तमाम जो पदाधिकारी हैं बहु प्रतीक्षित है ये ट्रेन और इसका परिचालन जो है पटना से रांची के बीच होना है और इससे पहले प्रसाद चढ़ाकर फूल माला के साथ विधिवत पूजा की गई और 6:55 पर पटना से खुलने के बाद जहानाबाद, गया और उसके बाद कोडरमा और हजारीबाग, मेसरा, इस तरीके से 6 स्टॉपेज जो हैं वंदे भारत के और 1 बजे ये रांची पहुंचेगी। तो रिकॉर्ड समय में रांची पहुंचेगी, लोग काफ़ी उत्साहित हैं और देखिए किस तरीके से तमाम सारे लोग और न सिर्फ आम जन जो है एक तस्वीर को लेकर आतुर है, रेलवे के जो लोग हैं वो भी खासे उत्साहित हैं और तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं ट्रायल रन को लेकर, स्पीड जो है इसकी इसको लेकर और इसके अलावा समय सारणी जो है वो भी निर्धारित किया जाना है। तो वंदे भारत ट्रेन और पटना से रांची के बीच इसका परिचालन होना है, 6 स्टॉपेज जो है पटना से रांची के बीच इस ट्रेन की होगी और इसको लेकर खासा उत्साह है, तमाम सारे लोग जो है इसकी एक झलक पाने को लेकर आतुर हैं और यहाँ पे तमाम सारे लोग जो हैं इसके साथ सेल्फी लेने से लेकर मेक इन इंडिया की तस्वीर चस्पा की हुई है और इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बना ये कोच और इसको लेकर जब यहाँ पे रैक पहुँची तो लोग खासे उत्साहित थे, लोगों ने जमकर इस ट्रेन का स्वागत किया और अब जबकि परिचालन से पहले ट्रायल रन की बारी है और ट्रायल रन के दरमियान ही जो समय सारणी है कितने समय में कहाँ पे पहुँचती है वो निर्धारित होगी। 8:20 पर गया पहुँचने का समय है, 10 मिनट का वहाँ पे स्टॉपेज होगा, 8:30 में वहाँ से फिर ट्रेन जो है वो चलेगी। तो पटरियों पे जो इस किस तरीके की स्पीड होगी, कहीं पे कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कई सारे खास फीचर्स लिए हुए ये ट्रेन और इस बीच यहाँ पे उसका परिचालन जो है वो होना है, उससे पहले ट्रायल रन और तमाम जो इसमें कर्मी होंगे जो लोग होंगे उनको भी रेलवे ने विधिवत कई सारी ट्रेनिंग्स जो है 3 दिनों तक दी है और आज समय है इसके परिचालन के पहले जो इस तरीके से ट्रायल रन है इसको लेकर और मेसरा के बाद रांची और रांची से फिर वापसी जो है वो उसी तरीके से। तो पहला दिन पटना से रांची का ये जो फेरा लगाएगी वंदे भारत और इसको लेकर रेलवे के अधिकारी समेत तमाम लोग उत्साहित हैं और एक सेल्फी खींचने को लेकर भी यहाँ पे लोगों की भीड़ लगी है। कैमरामैन राजेश के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। वंदे भारत ट्रेन पटना से छूट रही है और पहली बार इसका परिचालन जो है वो ट्रायल रन के तौर पर, इसको लेकर खासे उत्साहित है रेल कर्मी, साथ ही साथ तमाम सारे लोग भी इस परिचालन को लेकर उत्साहित हैं और जिस तरीके से घोषणा की गई थी कि जून के महीने में हर राज्यों को वंदे भारत मिल जाएगा, उसी कड़ी में ये ट्रेन जो है वो पटना पहुंची थी और उसके बाद मेंटेनेंस और राजेंद्र नगर यार्ड में और अब पटना से रांची इसका परिचालन जो है वो किया जा रहा है और वंदे भारत ट्रेन जो है वो रांची के लिए ट्रायल रन के तौर पर प्रस्थान कर रही है और इसके बाद यहां से जहानाबाद, गया 8:20 पर ये गया पहुंचेगी, 10 मिनट का वहां पे स्टॉपेज है यानी 8:30 में गया से खुलेगी और उसके बाद फिर झारखंड की सीमा में प्रवेश करेगी और वहां पे कोडरमा, बरकाकाना, इसके अलावा हजारीबाग और मिसरा। तो ऐसे यहां पे ये 6 स्टॉपेज जो है वंदे भारत की और उसके बाद फिर 1 बजे ये रांची पहुंचेगी और फिर रांची से 2:20 पर वापसी है और पटना पहुंचेगी। इसको लेकर मेंटेनेंस जो है ट्रैक का वो किया गया, इसके अलावा जो इसमें साथ में रेल कर्मी होंगे सहयोगी के तौर पे तमाम लोगों को प्रशिक्षण दिया गया 3 दिनों तक यहाँ पे और आज ट्रेन रन को लेकर पटना से रवाना हुई वंदे भारत और इसके बाद जहानाबाद पहुँचेगी, फिर गया और उसके बाद फिर कोडरमा, बरकाकाना, हजारीबाग, मिसरा होते हुए ये रांची पहुंचेगी। तो जो दूरी है उस दूरी को समेटते हुए यानी कि कम समय में ये सफ़र तय करेगी और आज का जो ये ट्रायल रन है इस ट्रायल रन के बाद आज जो परिचालन होगा उसके बाद अंतिम तौर पे समय सारणी जो है इस ट्रेन की वो तय की जाएगी। पटना से 6:55 पर इसका परिचालन जो है वो होना है और साथ ही साथ आधिकारिक तौर पर घोषणा होनी है आज के ट्रायल रन के बाद कि कब इसका शुभारम्भ जो है वो होगा। तो काफ़ी जो बहुप्रतीक्षित ये वंदे भारत ट्रेन
और पटना से रांची के बीच आज इसकी शुरुआत जो है वो हुई और ट्रायल रन के तौर पे, और इसको लेकर भी खासे उत्साहित है रेल महकमा के तमाम सारे लोग। और पटना से परिचालन जो है ट्रायल रन के तौर पर आज शुरू हुई है और उसके बाद इसका शेड्यूल जो है हर एक स्टेशन पर स्पीड जो है वो देखी जाएगी, ट्रैक जो है वो देखा जाएगा। तो तमाम जो तकनीकी पहलू समेत एक जो व्यवहारिक पक्ष है वो भी देखा जाएगा वंदे भारत का, और उसके बाद अंतिम तौर पर इसके परिचालन की रूपरेखा जो है वो तय की जाएगी। तो ट्रायल रन के लिए पटना से रवाना हुई वंदे भारत। प्रीति, देखिए सफ़र आसान तो होगा ही, सुगम और एक जो लग्जरी है और अलग एहसास वाला वो भी होगा। कई सारे स्पेशल फीचर्स जो हैं इस ट्रेन के वो इसे खास बनाते हैं और दूसरे ट्रेन से इसे अलग बनाते हैं। तो बहरहाल जो रास्ते में जो सीनरी है बहुत ही खूबसूरत, हजारीबाग और रांची का जो सफ़र है रास्ते में सीनरीज और खूबसूरत वादियाँ हैं, तो उसको अगर पैसेंजर्स जो है चाहें तो मूव कर सकते हैं 180 डिग्री तक उसका जो रोटेट करता है चेयर, यानी कि जो और विंडो जो है वो पैन बहुत ही ग्लास जो है वो विस्तार लिया हुआ है, यानी कोई ऑब्स्टकल नहीं है, तो यात्री जो है सीनरी को आराम से देख पाएंगे। पुश बटन लाइट लगी हुई है, चार्जर्स पॉइंट हर जगह दिए हुए हैं, तो कई ऐसे स्पेशल फीचर्स हैं जिसे वंदे भारत जो है वो दूसरे ट्रेनों से अलग बनाती है। स्पीड तो इसमें है ही है, देश की तकनीक है, तो मेक इन इंडिया जो है उसको लेकर भी, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में पूरी ये ट्रेन जो है वो तैयार की गई है, हर एक राज्यों को ये मुहैया कराना है। तो उसी कड़ी में अब वंदे भारत जो बिहार का जो रैक है वो पहुंचा है बिहार झारखंड, यानी पटना से रांची, रांची से पटना, और इसको लेकर जब ट्रेन यहाँ पे पहुंचा था तमाम सारे लोग जो है उत्साहित थे कि एक सेल्फी इस ट्रेन के साथ हो जाए। और उसके बाद तकनीकी तौर पे प्रशिक्षित किया गया जो कर्मी इसमें शामिल होंगे और पटना से रांची के बीच सफ़र में वो सहयोगी होंगे, उनकी ट्रेनिंग हुई और आज ट्रायल रन जो है उसकी शुरुआत हुई है 6:55 पर, और जहानाबाद रांची और जहानाबाद के बाद गया और गया के बाद कोडरमा और हजारीबाग होते हुए बरकाकाना, हजारीबाग मेसरा होते हुए रांची 1:00 पहुँचेगी, 2:20 में वापसी है और 7:00 तक जो ट्रेन है वो पटना आएगी। तो इसको लेकर किस तरीके से अवेलेबिलिटी है, कहीं कोई ऑब्स्टकल नहीं है, कुछ अगर त्रुटि परेशानी है या तकनीकी तौर पे कहीं कुछ मुश्किलात हैं तो उसे समाधान जो है वो कर लिया जाएगा। ट्रैकों की मरम्मत जो है इसकी स्पीड को देखते हुए वो इससे पहले दुरुस्त कर लिए गए हैं, तो हर कुछ तय कर रेल कर्मी जो है और रेल महकमे के तमाम जो अधिकारी हैं वो पिछले 3 दिनों से ट्रेनिंग भी दे रहे थे और आज ये ट्रेन जो है वो ट्रायल रन के तौर पे रवाना हुई है। और प्रीति, इसके बाद एक समय सारणी जो है वो रूपरेखा के तौर पे सामने आ जाएगी, आज के ट्रायल रन के बाद ही ये भी तय हो जाएगा। मोटा मोटी जो टाइमिंग है वो तय है लेकिन आज जो है उसे अंतिम रूप दिया जाएगा और उसके बाद घोषणा होनी है कि किस दिन इसका परिचालन जो है आम यात्रियों के लिए। तो आज कोई आम यात्री नहीं बल्कि तमाम जो रेलवे के सहयोगी और उनके कर्मी हैं उनको लेकर और वंदे भारत जो है पटना से रांची के लिए रवाना हुई है और 1:00 ये रांची पहुँचेगी, सब कुछ निर्धारित है उस अनुसार अगर रही तो, और बाकी रास्ते में किस तरीके से क्या कुछ स्थितियां हैं उसको ऑब्जर्व करने को लेकर भी जो एक्सपर्ट हैं वो भी इसमें सवार हैं और रेलवे के तमाम लोग जो हैं उन्हें इसको लेकर खास ट्रेनिंग दी गई है। तो वंदे भारत पटना से रांची और रांची से पटना, इसके ट्रायल रन की आज शुरुआत हो गई।